इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मैं आपके साथ सिमरन चली सुनाते हैं आपको इस रेडियो बुलेटिन में बॉलीवुड की कुछ चटपटी बातें। भाभी जी घर पर है टीवी का वो शो जिसका हर किरदार खास है। गोरी मैम हो या अंगूरी भाभी, तिवारी जी हो या विभूति जी, हर किरदार के बारे में लोग जानना पसंद करते हैं। मनमोहन तिवारी यानी रोहित ताश व गोड ने कई टीवी शोज में काम किया है। रियल लाइफ में दो बेटियों के पापा तिवारी जी की बेटियों को एक्टिंग का शौक है, लेकिन रोहित ताश ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी टीवी एक्ट्रेस बने। इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई। मनमोहन तिवारी यानी रोहिताश व गोड़ की बेटी काफी खूबसूरत है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें इस बात का सबूत है। खुद टीवी पर लोगों को अपने किरदार से हंसाने वाले रोहिताश ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी गीति गोड़ टीवी में काम करे। रोहिताश की बेटी गीति ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया था जिसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। उन्होंने इस बातचीत में बताया कि फिल्म डायरेक्टर्स ने उनकी बेटी के टैलेंट की तारीफ की थी। इसके साथ राजकुमार हिरानी ने भी तारीफ की और रोहिताश से कहा था उसके टैलेंट पर ध्यान दे। उन्होंने बताया कि इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि उनकी बेटी के अंदर भी एक्टिंग का कीड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं नहीं चाहता कि वो डेली सॉप करे। इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एक न्यू एज एक्टर के लिए टीवी बहुत रेपिटेटिव हो जाता है और फिर कुछ नया करने का कोई स्कोप नहीं रहता। मैं 16 साल से टीवी कर रहा हूं और मैं पूरा प्रोसेस जानता हूं। मैं चाहता हूं कि वो कंटेंट बेस्ड सिनेमा को एक्सपीरियंस करे। रोहित अश्व ने आगे कहा कि यहाँ कुछ नया करने को नहीं मिलता, वहीं फिल्मों और वेब शोज में आपको बहुत कुछ क्रिएटिव करने का मौका मिलता है। आपको बता दें कि वैसे गीति एक म्यूजिक वीडियो आई विल ऑलवेज ब्लाइंडली लव यू में नजर आ चुकी है। इसके साथ वो टाइम्स फ्रेश फेस की सेकेंड रनर अप भी रह चुकी है। प्रियंका चोपड़ा अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर का जाना माना नाम है। दुनिया भर में प्रियंका चोपड़ा अपने काम से अपनी पहचान बना चुकी है। अपनी फिल्मों और कमर्शियल के साथ ही प्रियंका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी जमकर कमाई करती है। हाल ही में इंस्टाग्राम की रीच लिस्ट 2021 जारी की गई है जिसमें दो भारतीय सितारों ने जगह बनाई है। इन दो सितारों में बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनास और क्रिकेटर विराट कोहली के नाम शामिल है। यानी मनोरंजन जगत से इस लिस्ट में सिर्फ प्रियंका चोपड़ा ने ही जगह बनाई है। होपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 के अनुसार प्रियंका चोपड़ा ने 27वां स्थान हासिल किया है। वहीं विराट कोहली ने इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा से आगे जगह बनाई है। मालूम हो कि इंस्टाग्राम पर प्रियंका चोपड़ा के 64 मिलियन फॉलोअर्स हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक वो अपने एक पोस्ट के 3 करोड़ रुपए चार्ज करती है। ये एक्ट्रेस द्वारा किए जाने वाले कमर्शियल पोस्ट हैं। यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रियंका चोपड़ा कोई भी प्रमोशनल पोस्ट करने के लिए 3 करोड़ रुपए कमाती है। वहीं लिस्ट में विराट कोहली ने प्रियंका चोपड़ा को पीछे छोड़ते हुए 19वां स्थान हासिल किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विराट कोहली के 132 मिलियन फॉलोअर्स हैं और क्रिकेटर एक प्रमोशनल पोस्ट के 5 करोड़ रुपए कमाते हैं। वहीं इस लिस्ट में टॉप पर जगह बनाई है फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जिनके इंस्टाग्राम पर 295 मिलियन फॉलोअर हैं और एक प्रमोशनल पोस्ट के 11 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा लिस्ट में ड्वेन जॉनसन, एरियाना ग्रेंडे, काइली जेनर, टेलर स्विफ्ट जैसे सितारों के नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रियंका चोपड़ा लॉन्जरी ब्रांड विक्टोरिया सीक्रेट का भी चेहरा बनी है जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपने अतरंगी अवतार से लोगों को अक्सर चौंका देते हैं। रणवीर सिंह ने हाल ही में लंबे समय के बाद फैंस के साथ अपने फोटोशूट की कुछ तस्वीरों को साझा किया जिसको देखने के बाद लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दरअसल हाल ही में उन्होंने फैशन ब्रांड गुच्ची फोटोशूट से तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरों में वो ट्रैक सूट पहने नजर आ रहे हैं। इस ब्लू कलर के ट्रैक सूट में रणवीर सिंह कमाल के लग रहे हैं। वहीं कई लोग उनकी तुलना हॉलीवुड एक्टर जेरेड लेटो से भी कर रहे हैं। रणवीर सिंह की इन तस्वीरों ने जहां कई एक्टर्स और पॉपुलर फैशन डिजाइनर्स का ध्यान खींचा तो वहीं सोशल मीडिया पर उनके मीम्स भी वायरल होने लगे हैं। कोई उन्हें मुगल शासक खिलजी बता रहा है तो कोई कह रहा है कि जब बीवी कह दे जो तेरा है वो मेरा है। रणवीर के इन कपड़ों की कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। गुची की वेबसाइट के मुताबिक रणवीर सिंह की ट्रैक पैंट्स की कीमत $1,980 है जबकि उनकी शाइनी जर्सी स्वेट शर्ट की कीमत $1,650 है और अगर सभी को मिलाकर आंका जाए तो इसकी कुल कीमत ₹2,71,125 है। आपको बता दें कि रणवीर सिंह एंड्रोजेंस फैशन के मामले में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। रणवीर सिंह की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
एक्टर फरहान अख्तर की आगामी फिल्म तूफान में मुक्केबाजी के जोशीले दृश्य हैं, लेकिन अख्तर का कहना है कि किरदारों के व्यक्तिगत संबंध फिल्म की जान है। अख्तर ने इससे पहले 2013 में खेल आधारित फिल्म भाग मिल्खा भाग में अभिनय किया था, जिसका निर्देशन राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया था। तूफान मेहरा के साथ उनकी दूसरी फिल्म है, जिसमें वो अजीज अली उर्फ अज्जू भाई की भूमिका में है और इसके लिए अख्तर ने कड़ा प्रशिक्षण लिया है। कहानी के अनुसार अजीज अली एक गुंडा था जो राष्ट्रीय स्तर का मुक्केबाज बनता है। अख्तर ने जूम पर दिए इंटरव्यू में पीटीआई भाषा से कहा, कोई नई चीज नया खेल सीखने और उसमें अच्छा करने के प्रयास में कड़ा प्रशिक्षण लेना पड़ता है। सौभाग्य से मेरे साथ एक अच्छी टीम थी, इसलिए उन्होंने मेरा साथ दिया, लेकिन मानसिक रूप से आपको बेहद मजबूत होना पड़ता है। फरहान ने कहा, कभी ऐसा समय आता है जब आप अपने प्रशिक्षण के बीच में होते हैं जहां पर दबाव होता है, आपका शरीर साथ छोड़ना चाहता है, लेकिन वास्तव में आपका दिमाग आपसे कहता है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आप जो एक एक पल व्यतीत करते हैं फिल्म की कहानी में उसका बड़ा योगदान होता है। फिल्म में सुपर 30 की एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और एक्टर परेश रावल ने भी काम किया है। ठाकुर अजीज की प्रेमिका अनन्या की भूमिका में है और रावल मुक्केबाजी के कोच नाना प्रभु बने हैं। अख्तर ने कहा कि तूफान अजीज अनन्या और नाना प्रभु की अविश्वसनीय यात्रा की कहानी है। उन्होंने कहा, इसमें बहुत कुछ होता है, इसकी पृष्ठभूमि खेल है, ये बेहद रोचक और सिनेमैटिक है, इसमें जोश है, लेकिन फिल्म की जान उसके किरदारों के बीच संबंध है। एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी फिल्म तूफान के निर्माता अख्तर और रितेश सिद्धवानी तथा मेहरा के ROMP पिक्चर्स हैं। ये अमेजन प्राइम पर 16 जुलाई को रिलीज होगी। इस रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह की हर अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ MP पर। जय हिंद, जय भारत।